छः लोगों को हिरासत में लिया, उसमें से 5 पुरुष थे, 1 महिला थी। इन्होंने अभी तक पूरे वसई विरार में 3 ऑफेंसेस घरफोड़ी के किए हैं। मध्य प्रदेश में गुना दाखिल है, गुजरात में दाखिल है, महाराष्ट्र में दाखिल है, और एक हमने स्कॉर्पियो गाड़ी, एक रिक्शा, हाउस ब्रेकिंग करने के पूरे इंस्ट्रूमेंट जैसे कोयता है, मिर्ची पाउडर है, ऐसे काफ़ी सारा उनके पूरे बैग में मिला। घरफोड़ी की वारदात को अंजाम देने वाली अंतरराज्य पारधी गैंग चढ़ी पुलिस के हाथ थे। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की अपराध शाखा 3 की टीम ने दी आरोपियों पर दबिश। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। घरफोड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले 12 आरोपियों को मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अपराध शाखा 3 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये लोग बड़े ही शातिराना तरीके से घरफोड़ी और चोरी की वारदात को अंजाम देते। ये लोग पहले लोगों के घरों की रेकी करते, उसके बाद ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इस पूरे विषय में हैरत की बात ये थी कि यदि चोरी करते समय कोई व्यक्ति घर में आ जाता या जाग जाता नींद से, तो ये लोग उसकी हत्या कर देते। ये लोग चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया करते थे। फिलहाल अपराध शाखा 3 की टीम ने इन आरोपियों पर दबिश दे दी है। आइए देखिए मिरर ऑफ ट्रूथ पर ये 12 आरोपियों की खास रिपोर्ट। पारधी गैंग के 12 आरोपी, चोरी, घरफोड़ी, डकैती, लूटपाट और हत्या जैसे संगीन अपराध। मध्य प्रदेश में 5,000 रुपए इनामी राशि की घोषणा। जी हाँ, ये पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि बीते 5 जनवरी को मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की अपराध शाखा 3 की टीम को उनके मुखबिरों से सूचना मिलती है कि मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर सिरसाण फाटा के पास स्थित पेट्रोल पंप पर एक गैंग डकैती डालने वाली है, जिसके बाद पुलिस चाल बिछाते हुए मामले में शामिल 6 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल कर लेती है, जिसमें एक महिला भी शामिल होती है। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में इन लोगों द्वारा पुलिस के ऊपर भी जानलेवा हमला किया जाता है। 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो इस बात का खुलासा होता है कि ये लोग पारधी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। चोरी, डकैती, लूटपाट और हत्या करना इनका पेशा है। साथ ही साथ पुलिस को यह भी जानकारी मिलती है कि इनके साथ 6 और लोग पारधी गैंग में शामिल है, जिसके बाद पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लेती है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा होता है कि इनके ऊपर वसई विरार सहित पालघर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी कई सारे संगीन मामले दर्ज हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर मध्य प्रदेश में 5,000 रुपए इनामी राशि भी रखी गई है। आपको बता दें कि ये गैंग पहले जहां पर चोरी करनी होती उस जगह की 2-3 दिन तक रेकी करता, उसके बाद मौका मिलते ही आधी रात को चोरी की वारदात को अंजाम देता। चोरी करते समय यदि घर का कोई सदस्य जाग जाता, तो ये लोग उसकी हत्या कर वहां से फरार हो जाते। पकड़े गए आरोपियों में से 6 आरोपियों को अरनाला सागरी पुलिस के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि अरनाला सागरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत उनके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज थे। बाकी बचे 6 आरोपी अब भी अपराध शाखा की दबिश में है। मिली जानकारी अनुसार इन आरोपियों का नाम क्रमशः मनीष चौहान, भाऊ साहेब गवली, रविंद्र सिंह सोलंकी, सुख चैन पवार, मोंटी चौहान और अश्विनी चौहान है। पुलिस ने इनके पास से एक स्कॉर्पियो, एक रिक्शा, कोयता, मिर्ची पाउडर, मोबाइल फोन व चोरी के इस्तेमाल में आने वाले अन्य कई औजार बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत 10,16,356 रुपए आंकी गई है। फिलहाल यह सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है और इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारी पूरी टीम, यूनिट 3 की टीम, सिरसाण फाटा के वहाँ पे पहुँच गई, और वहाँ से हमने 6 लोगों को हिरासत में लिया, उसमें से 5 पुरुष थे, 1 महिला थी। और जब उनको क्राइम ब्रांच के ऑफिस में लाया गया, उसके बाद में उनकी पूछताछ की गई, तो हमें पता चला कि ये इंटर स्टेट गिरोह है। इन्होंने आज तक कई संगीन अपराध को अंजाम लगाया है, उसमें हाउस ब्रेकिंग के गुने हैं, दरोड़े के गुने हैं, मर्डर के गुने हैं। तो जब हमने इनकी पूरी छानबीन की, तो हमें पता चला कि एक हमने स्कॉर्पियो गाड़ी, एक रिक्शा, हाउस ब्रेकिंग करने के पूरे इंस्ट्रूमेंट जैसे कोयता है, चॉपर है, बैटरीज है, नायलॉन की रस्सी है, मिर्ची पाउडर है, ऐसे काफ़ी सारा हमको उनके पूरे बैग में मिला। इसके बाद में हमने पूरा छानबीन करने के बाद में हमें पता चला कि इन्होंने अभी तक पूरे वसई विरार में 3 ऑफेंसेस घरफोड़ी के किए हैं, उसमें अरनाला के 2 है,
साथ ही साथ पालघर में वाड़ा पुलिस स्टेशन में एक घरफोड़ी का गुना दाखिल है, घोटी नासिक रूरल में एक ऑफेंस दाखिल है और साथ ही गणेशपुरी जो थाने रूरल में आता है वहाँ पे भी घरफोड़ी का गुना दाखिल हुआ है। ऐसे 5 ऑफेंसेस घरफोड़ी के हमने डिटेक्ट किए हैं। ये जो आरोपियों के ऊपर हमने विरार पुलिस स्टेशन में CR नंबर 13/2024 के तहत गुना दाखिल किया, IPC 399, 402, 353, 332 और आर्म्स एक्ट 425 के तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया। इसमें करीबन अभी तक 10 लाख का रिकवरी हमने किया है मुद्देमाल का। साथ ही जो अर्नाला पुलिस स्टेशन की जो घरफोड़ी थी उसमें और हमने 6 आरोपियों को सोलापुर जिले से जाके हमारी टीम ने अरेस्ट किया और उनको अर्नाला पुलिस स्टेशन के ताबे में हमने दिया है। अगर इनका पूरा बैकग्राउंड अगर हम लोग देखेंगे तो इनके खिलाफ में मध्य प्रदेश में गुना दाखिल है, गुजरात में दाखिल है, महाराष्ट्र में दाखिल है और ये पूरे जगह पे जाके घरफोड़ी मर्डर भी शाहपुर में एक जो हुआ था बीच में वो भी इन्होंने अंजाम लगाया था। तो इस तरीके से साथ ही इनके जो दो साथीदार हैं रविंद्र सिंह सोलंकी और सुखचैन पवार इनके ऊपर 5,000 का मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से इनाम भी है। तो इस तरीके से एक बड़ा रैकेट जो बड़ा टोली गैंग इंटर स्टेट गैंग जो काफ़ी सारे संगीन अपराधों को अंजाम लगाता था वो हमने डिटेक्ट किया है। इसमें हमारे पूरी यूनिट 3 की टीम जिसमें PI बड़ाक, PSI भागवत, PSI टेलर और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छी कामगिरी की है। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।